नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और एक के बाद एक बीजेपी के दो विधायक राम सिंह कैड़ा और दुर्गेश्वर लाल ने यह साबित करने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी की सरकार में जो मन मंत्री है सुबोध उनियाल, वो अपने मंत्रालय को सही ढंग से चला नहीं पा रहे। क्या यह माना जाना चाहिए कि आने वाले समय में सुबोध उनियाल का मंत्रालय बदला जा सकता है या फिर वो मंत्रिमंडल से बाहर ही खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यह एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है बीजेपी के दो विधायकों के गंभीर आरोप के बाद। उत्तराखंड में वन मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसीलिए मामले को केवल इतना ही नहीं देखना चाहिए जितना दिख रहा है, ये समझना चाहिए कि उत्तराखंड बीजेपी और बीजेपी सरकार में आखिरकार चल क्या रहा है। पुरोला विधानसभा से बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उत्तराखंड में भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर बड़ा हमला बोला है। लेकिन इस पूरे मामले पर चार बातों पर गौर दिया जाना चाहिए। चार बातें, अगर हम इन चार बातों को ध्यान से देखते हैं तो ये एक मैसेज देती हुई दिखती है, एक संदेश देती हुई दिखती है बीजेपी की जो उत्तराखंड की राजनीति है और बीजेपी की जो सरकार है उत्तराखंड में, इसमें चल क्या रहा है। पहली बात, अभी दो दिन पहले ही बीजेपी के भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा ने मंत्री सुबोध उनियाल से फ़ोन पर स्पीकर ऑन कर बात की। वह ग्रामीणों से घिरे हुए थे और वह जब स्पीकर ऑन कर वन मंत्री सुबोध उनियाल से बात कर रहे थे तो उसकी भी रिकॉर्डिंग की जा रही थी और बातचीत का यह वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में मंत्री सुबोध उनियाल गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे, माननीय हाईकोर्ट को लेकर भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सुबोध उनियाल का कहना है कि वीडियो में उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन अब विधायक दुर्गेश्वर लाल ने, जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने खुद अपनी जो बात रखी है उस बातचीत के बीच में यह भी कहा है कि राम सिंह कैड़ा ने सुबोध उनियाल को ही फ़ोन मिलाया था और वह गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वो मंत्री सुबोध उनियाल को लेकर ये बात कह रहे हैं और इसका एविडेंस नहीं है। मैं बताऊं, परसों राम सिंह केड़ा जी अब क्षेत्र के लोगों के लिए गए और वो कह रहे हैं भैया यहाँ समस्या, फोन कर रहे हैं, वो जाके एक माँ बहन की गाली दे रहे हैं। उनको नैतिकता नहीं है, वो समाज में इस तरीके से जो माँ बहन की गाली, क्या उनकी माँ बहन ही नहीं है? यह बड़ी बात है। और दूसरी बात, बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मंत्री सुबोध उनियाल पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनको अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा कि मंत्री सुबोध उनियाल मुझे परेशान कर रहे हैं, पब्लिक ने मुझे विधायक बनाकर भेजा है, मैं कितनी बार इनके पैर पकड़ूं, यह दुर्गेश्वर लाल कह रहे हैं। दो साल में मंत्री सुबोध उनियाल ने 1% तक काम नहीं किया है, यह भी बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल सुबोध उनियाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और तीसरी बात, जब मामले में बीच बचाव के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की एंट्री हुई तो वो भी मंत्री सुबोध उनियाल से अधिक बीजेपी के विधायकों की ओर खड़े हुए दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने मंत्री जी से कहा है कि गुस्से की भी एक सीमा होती है, अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। अब बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का, जो मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे, उस वक्त का जो बयान है वो देखिए। उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ में जो बयान दिया है उसको देखिए सुनिए, और इसी दौरान महेंद्र भट्ट का जो बयान है उसको भी गौर से देखिए और सुनिए। इन तीनों बयानों को सुनने से जो एक तस्वीर बनती है, जो समझ में आता है, ऐसा लगता है कि बीजेपी विधायक एक संदेश देने के लिए धरने पर बैठे थे और वह संदेश दिए जाने का काम पूरा हो गया तो अब मामला घर के भीतर की लड़ाई बताई जाने लगी है। वरना तो सड़क की लड़ाई सीधे सीधे बनती हुई दिख रही थी, क्योंकि बीजेपी विधायक सड़क पर ही बीजेपी की सरकार के कैबिनेट मंत्री के बाहर धरने पर बैठे थे। आप पहले ध्यान से तीनों की बात सुनिए, तीनों वीडियो की बात सुनिए। जो पहले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठे दुर्गेश्वर लाल ने जो बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ में बयान दिया, और जो महेंद्र भट्ट ने खुद बयान दिया, ठीक है, सुबोध उनियाल ने जानबूझ करके ये इशू बना रखा है और मेरे क्षेत्र को परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल है। जो मैंने कागज, अपना कागज लाया तो उसको मैंने पार दिया, मैंने क्या करूं, मैंने अपने लेके, मैंने कहा ये रखो, मुझे जब उस पे उन्होंने कार्रवाई नहीं करनी एक हफ्ते का, मतलब क्या हम भी तो, मैं उनके पास गया हूं, ठीक है, मैं गया जब विधायक, वहां के प्रतिनिधि के रूप में गया, यमुनोत्री विधायक गया, उन्होंने कहा हटाइए, लेकिन वो हटाने को राजी नहीं, हॉप को बुलाया, यहाँ पे हॉप कह रहा है इसको, दूसरे को किसको लाए, लेकिन उन्होंने जानबूझ के मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ओनली डराने, ये सोच रहे बच्चा है।
ठीक है, लेकिन मैं तो जनता के लिए, तो मुझे प्रतिनिधि है भैया, मुझे जनता ने जो है विधायक बना के, मैं सुबोध उनियाल जी ने बोला है, कई बार बोला है ये, आज नहीं पहले भी बोला है, और ये जानबूझ के मुझे मना कर रहे कि मैंने कोई जाति, झूठ बोल रहे हैं, और लोग यहाँ पर है उनसे भी पूछा, झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया उनके जो चौकट होंगे क्योंकि मंत्री हैं उनसे डरेंगे क्यों, वो कौन बताएगा, कौन जवाब देगा, मैं कह रहा हूँ कई बार दिए उन्होंने, और इसका एविडेंस नहीं है। मैं बताऊँ, परसों राम सिंह केड़ा जी अब क्षेत्र के लोगों के लिए गए और वो कह रहे हैं भैया यहाँ समस्या है, फोन कर रहे हैं, वो जाके एक माँ बहन की गाली दे रहे हैं, उनको नैतिकता नहीं है, वो समाज में इस तरीके से जो माँ बहन की गाली, क्या उनकी माँ बहनें नहीं है? मैं इस बात को कह रहा हूँ, मुझे शर्म है इस बात को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें, एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भई हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पर, लेकिन वो बात नहीं बनी, तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ, और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है, भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया, सब माने विधायक जी मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी, अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना है। मैंने मंत्री से भी कहा, आज हमारी बातचीत हुई, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपके मिलना हुआ, बातचीत हुई है, जिसमें समाधान का रास्ते बनेंगे। बीजेपी विधायक ध्रुवेश्वर लाल का कहना है कि वन विभाग से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर वो समय समय पर वन मंत्री के संज्ञान में लाते रहे हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा वन विभाग के अधिकारी उनकी विधानसभा में स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं। उनका यह भी कहना है कि वन विभाग के अफसर आम जनता के बेवजह चालान काटते हैं। उनके क्षेत्र में पर्यटकों को परेशान किया जा रहा है, जिस कारण स्थानीय टूरिस्ट गाइड, होटल और होम स्टे संचालक सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि दुर्गेश्वर लाल कहीं ना कहीं पूरी बात को यहाँ पर लाकर छोड़ रहे हैं कि अगर वन मंत्री एक्शन नहीं लेते हैं, वन मंत्री इसी तरीके के रवैये को अपना कर रखते हैं, तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक संदेश जा सकता है, सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर आ सकते हैं। बीजेपी विधायक के ये आरोप बहुत ही गंभीर आरोप है। आपको याद होगा कुछ इसी तरह के आरोप भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह केड़ा ने भी लगाए थे। उनका भी कहना था कि वन विभाग के अफसर मनमानी कर रहे हैं, वो भी DFO और अन्य लेवल के अफसरों के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे, और दुर्गेश्वर लाल भी DFO और वन विभाग के जो अफसर है उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके कामकाज पर लोगों की। सर, माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इसके सब गांव, हमारे गांव के लोग कह रहे हैं, ये लोग गांव के लोग ये कह रहे हैं कि दो महिलाओं की मृत्यु हुई और विभाग की तरफ से जो बाघ था या लेपर था उसकी साइज का पिंजरा तक नहीं लगाया गया, और विभाग की तरफ से यानी कि यहां के डेपो और वन विभाग के तरफ से हीला हवाली की गई है। आज हमारी सरकार को फजिया झेलनी पड़ रही है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी बात साफ है कि सुबोध उनियाल वन मंत्रालय को नहीं संभाल पा रहे, अफसर उनकी नहीं सुन पा रहे, ऐसे आरोप बीजेपी के विधायक लगा रहे। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मैं सीधे IFS अफसर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता हूं, लेकिन विधायक मौके पर ही कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। DFO के खिलाफ जांच को लेकर जो पत्र बनाया गया, तैयार किया, विधायक ने उसे भी छीन कर फाड़ डाला। यानी मंत्री सुबोध उनियाल भी विधायक पर गंभीर आरोप लगा रहे, और विधायक का भी कहना है कि मंत्री ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। इस सब के बाद भी अगर पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और इस तरह के बातें, इस तरह के आरोप, इस तरह की गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं, तो मामला संगीन है। और मामला संगीन है तो कोई ना कोई भीतरखाने बहुत कुछ चल तो रहा ही है, और मामला क्या है इसका परिणाम बहुत ही जल्द सामने आता हुआ दिख सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।